छाओ में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। एक तरफ अपने मामूजात को उम्मीदें दी हुई है और दूसरी तरफ तुम्हारे दिल के साथ। प्लीज ऐसे बातें मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। यूं कहो ना कि तुमसे सच नहीं सुना जा रहा। ना हादिया उन लोगों के लिए गैर है, ना वो लड़का हादिया के लिए। वो लोग हमेशा से दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो लगता है आपको हाँ कर देनी चाहिए। आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा था, मगर शायद मेरा अंदाज गलत था। पता नहीं मैं क्यों इतना जज्बाती हो गया था, मगर हादिया प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आप प्लीज मेरे रास्ते से हटे। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं इधर से नहीं हटूंगा। आप बिला वजह मुझे तंग कर रहे हैं। एटलीस्ट तुम चाची जान को समझा तो सकती हो ना कि तुम्हारे और जहीद भाई के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा क्या ताल्लुक, अगर गलती है तो वो सिर्फ इतनी है कि मैं जहीद भाई की बहन हूँ। तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तुम्हारे ननिहाल में गुजरा है। तुम्हारे मामू ममानी की फैमिली या मामूजात को तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। मैं तो चाहता था कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करती, मगर कुछ हालात ऐसे हो गए और इन हालात में अगर मैं तुम्हारी शादी या कम से कम मंगनी या फिर रिश्ता तय भी कर देता हूं तो इस घर के मसले मसाइल खत्म तो नहीं होंगे मगर कम जरूर हो जाएंगे। जुहेब एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है। अगर जुहेब तुम्हें पसंद ना करता तो शायद मैं सारा के लिए जुहेब के बारे में सोचता। देखो आदिया बेटा, जिंदगी तुम्हारी है, उसे कैसे गुजारना है, किसके साथ गुजारना है, इसका फैसला तुमने खुद करना है। मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं और उनका एक गलत फैसला बच्चों की जिंदगी की खुशियां बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। काश मेरे मां बाप ने भी मेरी मर्जी मेरी पसंद के बारे में सोचा होता। खैर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूं। आदिया बेटा फैसला तुमने खुद करना है, जुहेब या तुम्हारा मामू साद, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आज हादिया खाने पे नहीं आई। हादिया ने खाना खा लिया है। भाभी आपने शौकत को बताया नहीं? अरे मैं बिल्कुल भूल गई। शौकत, हादिया की मुमानी का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि हम लोगों ने क्या सोचा, वही उमेर और हादिया के रिश्ते के बारे में। भाभी जान मैं तो पता नहीं आप लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। हादिया की मुमानी बार बार फोन कर रही है, आप लोगों ने जवाब तो दे दें। लगता है उन लोगों से तो सबर ही नहीं हो रहा है, उनको तो बस नहीं चल रहा है हादिया को आज अपनी बहू बना कर लेके चले जाए।
मैंने हादिया से बात की थी। तो फिर क्या कहा बाबा उसने? अभी तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने उसको कह दिया है कि अच्छी तरह सोच ले, उसका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। जिंदगी उसने गुजारनी है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। एक्सक्यूज मी ज़ुहेब, अच्छा भला रिश्ता है हादिया के लिए? उसके मामों के घर से बेहतर कोई और घर हो ही नहीं सकता। हादिया वहां पे खुश रहेगी। भाभी, हाँ, क्या ख्याल है आपका? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ ठीक कह रही हो तुम। चलो शुक्र है, किसी की अकल में तो मेरी बात आई। मैंने कभी अपने बच्चों पर जोर जबरदस्ती नहीं की, खिलौने भी हमेशा उनकी पसंद के ही लेके दिए। फिर ये मामला तो हादिया की पूरी जिंदगी का है समीना। शौकत में तो बच्ची है ना, समझ अपना बुरा भला थोड़ी समझ सकती है। जो बेहतर फैसला आप उसके लिए कर सकते हैं वो थोड़ी कर सकती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है समीना, आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। अपनी जिंदगी का फैसला वो अच्छी तरह खुद कर लेते हैं। गर्मा गर्म चाय। आसिम, आपकी शौकत भाई से बात हुई? नहीं, उनका फोन ही नहीं आया, मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूँ। अरे अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो आप खुद उन्हें फोन कर ले। हाँ देखता हूँ एक दो दिन, फिर मालूम करूंगा फोन करके। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा आसिम कि हम लोग उन्हें इतना टाइम आखिर दे ही क्यों रहे। मैंने कितनी मरतबा हादिया की ताई को भी फोन मिलाया, उनसे पूछा, मगर वो भी मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। शहनाज बेगम, तुम इतनी जल्दी क्यों है भाई? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, उन्हें भी सोचने का मौका दो, टाइम तो लेंगे ना वो। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो लोग मान भी गए ना तो अम्मा नहीं मानेंगी। अरे एक बार वहां से जवाब तो आने दो, फिर अम्मा जी से बात करूंगा। इस वक्त अम्मा जी से बात करना बेकार है, वो तो उमेर और हादिया के रिश्ते के हक में ही नहीं है। यही तो मसला है ना, अगर अम्मा चाहती तो ये रिश्ता बहुत आसानी से हो जाता। उन्हें अच्छी तरह इस बात को समझना चाहिए कि हमारा सबसे ज्यादा हक है हादिया पर। बचपन से लेकर आज तक मैंने ही तो उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। पापा जब जिंदा भी थी तब भी वो हमेशा बीमारी रहा करती थी। उस वक्त से लेकर हादिया के सारे काम और इस घर की जिम्मेदारी मैंने ही तो उठाई। अम्मा मुझसे कहा करती थी कि हादिया को हमेशा अपनी बेटी समझना, और आज जब मैं उसे अपनी बेटी बनाना चाह रही हूँ तो सबसे ज्यादा मसला अम्मा को ही है, वही इस बात के खिलाफ हुई नहीं। पता नहीं क्या दुश्मनी है उन्हें उमेर से, उनकी नवासी ही उनके लिए सब कुछ है बस। वैसे एक बात बताऊं शहनाज, इस सब की वजह तुम्हारा बेटा है। सारी जिंदगी आवारा गर्दी करता रहा, निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहा, अगर शुरू से कोई काम कर लेता तो आज किसी काबिल हो जाता। फिर अम्मा जी को उमेर और हादिया के रिश्ते पे कोई इतराज नहीं होता भाई, उन्हें तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है। अरे बस आप तो रहने ही दें, अम्मा जी को शुरू से मेरे बेटे से ही मसले। उनकी नवासी उनकी सबसे ज्यादा सगी है इस घर में, उसके आगे उन्हें मेरा बेटा तो दिखता ही नहीं था। अच्छा बस करो, बेकार बातें लेके बैठ जाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें हादिया इतनी बुरी लगती है तो अपने बेटे का रिश्ता उससे क्यों कर रही हो? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे क्यों बुरी लगेगी हादिया, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। शहनाज बेगम, कोई और बात तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि तुम और तुम्हारा बेटा मिलके कोई और ही खिचड़ी बना रहे हो? क्या हो गया आपको, आप तो कुछ भी सोचने लग जाते हैं बस।
आपकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। चाचू ने आपकी मर्जी पूछ ली है उमेर के लिए। हादिया, अगर आपका फैसला उमेर ही होगा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मोहब्बत में इंसान अपना नहीं सोचता, सिर्फ उसका ही सोचता है जिससे मोहब्बत की है। और मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो अगर मैं उमेर के हक में फैसला दे दूँ आपको दुख नहीं होगा? मगर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुश हैं। आपको क्या लगता है मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी? आप खामोश क्यों हैं? जब दिल और दिमाग के दरमियान झगड़ा होता है पता नहीं क्यों ज़बान ही खामोश हो जाती है। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। ये अपने देख लिया बिल्कुल ठीक से मानूर। मुझे मामा महानूर देख ले, मैं आती हूँ पर ठीक है। जी मामा। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर तैयार हो, आज ऐसा आने वाला है ना, अपना होलिया तो देखो, जाओ। शाबाश। अरे मामा अभी तो हसन की फ्लाइट में बहुत टाइम है, आप फिक्र नहीं करें मैं हो जाऊंगी तैयार। बल्कि मैं तो आज सोच रही थी कि आज मैं खुद अपने हाथों से एहसन की पसंद की सारी डिशेस बनाऊं। वो तो मैं देख रही हूँ, कहा तो मेरी बेटी किचन में आती ही नहीं थी और आज सुबह से किचन में लगी हुई है। बस बेटा मैं चाहती हूँ तुम्हारे और एहसन के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, एक दूसरे के साथ पहले की तरह खुश रहो। अच्छा ये बताओ एहसन से तुम्हारी बात हुई? जी मामा हुई थी बात, वो तो घर को इतना मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं उड़ के घर वापस आ जाऊं। ऐसन घर को मिस कर रहा है या अपनी बेगम को? वैसे मामा अल्लाह का शुक्र है ऐसन का मूड पहले से बहुत बेहतर है, बस अब हम दुआ करें कि सारी चीजें पहले की तरह हो जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो सब कुछ पहले की तरह होगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अभी तुम जाओ जल्दी से अपना होलिया तो ठीक कर लो, जो कुछ भी रह गया मैं कर लूंगी। अरे मामा बस आधे घंटे का और काम रह गया, उसके बाद मैं चली जाऊंगी पक्का। मानू मैंने कहा ना बेटा जाओ जाके तैयार हो, तुम्हें पता है औरत अपने शौहर के लिए सजती संवरती है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मानू अब जाओ। अच्छा मुझे बताओ और क्या क्या रह गया है? अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और मैंने बाकी सारे खाने बिल्कुल रेडी कर दिए, बस कबाब फ्राई करने और ये मीठा फ्रिज में रख देगा। ठीक है तुम जाओ बेटा, मैं कर लूंगी सब। ठीक है। शबाना इधर आओ मेरे पास। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने जुहेब का इंतखाब किया, जुहेब इन्हीं हाथों में पला बड़ा है और मैं उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वो एक बहुत अच्छा और एक ऑनेस्ट लड़का है। बाबा मुझे खुशी है आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी और मेरे फैसले को अहमियत दे रहे हैं आप। जाहिर सी बात है हादिया,
तुम्हारी जिंदगी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। काश आज मेरे माँ बाप ने भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला किया होता तो मुझे जिंदगी भर का पछतावा ना होता। खैर मैं समीना से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे मामू मामानी को मना कर दे, और मैं भाभी से भी बात करता हूँ कि कोई अच्छा सा दिन देख कर तुम्हारी और जुहेब की मंगनी कर देते हैं। ठीक है सारा, मेरे रास्ते से हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जुहेब के बारे में सोचो? सारा मेरे रास्ते से हटो। हादिया बस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे और जुहेब के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम जाओ, अभी जाके बाबा को बोलो कि तुम जुहेब से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अपने कजन से शादी करनी है, बोलो जाके उन्हें। मैंने कहा ना जाओ, क्यों घड़ी नहीं देख रही हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारी मर्जी से करूंगी। तुम हो क्या सारा शौकत रजा? जिद्दी, खुदगर्ज, बेहिस। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी जात से। बकवास बंद करो अपनी। सही कह रही हूँ मैं सारा? अगर तुम वाकई जुहेब के काबिल होती ना तो मैं खुद तुम्हारे और जुहेब के रास्ते से हट जाती, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करती। तुम हादिया के मामू और मामानी को मना कर दो। शौकत एक बार फिर सोच लें, हमें उन्हें इतनी जल्दी मना नहीं करना चाहिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हादिया ने खुद मुझे जुहेब के लिए कहा है। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी जान से बात करो और दोनों की मंगनी की डेट रख लो बस। और सारा, सारा के बारे में आपने सोचा है? कुछ सारा की जरा सी फिक्र नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक बार जुहेब और हादिया का रिश्ता हो जाए फिर सारा की शादी कर देंगे। वो हाजी साहब को जानती हो तुम? अरे वो ही जिनकी शुगर इंडस्ट्री है। उनकी बेगम ने सारा को एसन की शादी पे देखा था और वो सारा के लिए हमारे घर आना चाहती है। मैंने सोचा कि पहले हादिया और जुहेब की शादी हो जाए फिर सारा के बारे में देख लेंगे। शकत आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मामा? ठीक है। आदम कैसे हो भाई? बेटो बड़ा अचानक आए हो यार। जो सरप्राइज दूं आपको। मैं कह रहा था मैं लेने आ जाता हूँ तुम्हें। छोड़े बाबा कोई बात नहीं। क्या तुम्हें? और कैसा रहा सारा? अच्छा रहा, मजा आया। समझती क्या हो तुम खुद को? मैं अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारी मर्जी से करूंगी। तुम हो क्या सारा शौकत रजा? जिद्दी, खुदगर्ज, बेहिस। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी जात से। अगर तुम वाकई जुहेब के काबिल होती ना तो मैं खुद तुम्हारे और जुहेब के रास्ते से हट जाती, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करती। तुम हो क्या सारा शौकत रजा? समझ क्यों तुम खुद को?
मैं अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारी मर्जी से करूंगी। मैं अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। जुहेब के काबिल होती ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत है अपनी जात से। लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं। तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी जात से। तो बताओ, मिस किया मुझे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, किया ना। अच्छा, आपको पता मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया। Really? आज इतने दिनों के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर मैं खुशी देख रही हूँ। अल्लाह मियां तुम्हें हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रखे, आमीन। ताईजान, मैं तो बहुत खुश हूँ आज इतने दिनों के बाद घर में खाना खाऊंगा, वो भी इतनी सारी चीजें। I can't wait. एहसन, तुम्हें पता है ये सुबह से किचन में लगी हुई थी और सारा खाना इसने अपने हाथों से बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तो खाकर ही पता चलेगा। एहसन, ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बुराई? ताई जान, समझाएं अपनी बेटी को, तारीफ कर रहा हूं अपनी बेगम की। मामा हर वक्त कन का यही है। वैसे ताई जान, जब से घर आया हूं सारा नजर नहीं आ रही, कहां है वो? एहसन बेटा, सारा अपने कमरे में है, अभी बुलवाती हूँ। शबाना, शबाना। जी दीदी जी। शबाना, जाओ जाकर सारा बीबी को बुला कर लाओ। जी दीदी जी। आप ठहरिए। जी, मैं खुद लेके आता हूँ उसको। जी ठीक है। सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूं तुम्हें खुश देखकर। ऐसी रहा करो बेटा, चलो आओ खाना लगवाते हैं। चले मामा। सारा, सारा दरवाजा खोलो। सारा, आवाज आ रही है? सारा? मानूर। जी चाची जान। एहसन और सारा किधर रह गए? पता नहीं मामा, कब से एहसन सारा को बुलाने के लिए गया है, अभी तक आए नहीं। मैं जाके देखती हूँ। एक सेकेंड, तुम ठहरो, मैं जाके देखती हूँ। तुम जाके देखो शबाना ने रायता और सारे रख दिया कि नहीं। ठीक है, आप देख लें। सारा, सारा दरवाजा खोलो। क्या हुआ एहसन? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोली सारा। अच्छा, सारा, सारा। एक मिनट, एक। सारा, तुम ठीक हो? फोन करो ना उसको। सारा, सारा। बेटा सारा देखो। मानू, सब लोग कितना हाँ रहेगी, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो सारा। सारा, बुरी बात है, दरवाजा खोलो। सारा देखो, मैं नाराज हो जाऊंगी सारा। सारा, 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 सार
आप उसको बुलाओ जल्दी से, आप उसको बुलाओ। सारा, सारा। मेरी सारा, अल्लाह, सारा ठीक हो जाए। समीरा, समीना कुछ नहीं होगा सारा को, अपने आप को संभालो, सारा ठीक हो जाएगी। बेटी जिंदगी मौत की कश्मकश में, और आप कह रही है ठीक हो जाएगा। अगर आपकी मानूर को कुछ हुआ होता तो फिर मैं पूछती आपसे, ये सब कुछ आपके और आपके बेटे की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी क्या हालत है उसकी, आपने देखा था ना, उससे सांस भी नहीं ले जा रहे थे। शौकत, वो ठीक हो जाएगी ना, उसका अगर अगर उसको कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। समीरा संभालो, कुछ संभालो, मर जाऊंगी उसके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। समीना भाभी, मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, मैं सब बर्बाद दूंगी। चाची जान हौसला करे, हंसना करे, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंशाल्लाह सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी चाची जान, प्लीज। भाभी जान, आप घर चली जाएं, हम सब हैं यहाँ पे। शौकत ने ऐसे कैसे जान, आप समझने की कोशिश कीजिए, समीना को यहाँ देखकर खुद पर काबू नहीं पा रही, पहले ही परेशानियां कम है, मैं नहीं चाहता मजीद परेशानी बढ़े, अभी आपका इस वक्त यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, मैं और एहसन है हम संभाल लेंगे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सारा की जैसी भी तबीयत हो मुझे जरूर बताना। जी भाभी जान। मानूर, तुम भी चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एहसन, समीना की हालत तो देखो, ये खुद को तो संभाल नहीं पा रही है, कम से कम किसी लेडीज का यहाँ होना बहुत जरूरी है, रहने दो मानूर को यहाँ। ताईजान प्लीज, मानूर को यहाँ से ले जाएं आप, क्योंकि मानूर को देख के मामा की तकलीफ में सिर्फ इजाफा ही होगा और कुछ भी नहीं। मानूर बेटा चलो आ जाओ। मुझे बताना जरूर। जी बाबा। मामा, आपने मुझे हॉस्पिटल आने से क्यों मना किया है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं चाचू और एहसन के साथ आना चाह रहा था। जुहैब, समझने की कोशिश करो, समीना बहुत गुस्से में है, सारा ने जो कुछ भी किया उसका कसूवार वो हमें समझ रही है। ये क्या बात हुई, मैं चाची से खुद बात कर लेता। क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओगे एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा, बस कह दिया ना मैंने, तुम वहीं रहो, मैं और मानू थोड़ी देर में आ रहे, फिर वहीं आकर तुमसे बात करेंगे। सुहेब, अब कैसी तबीयत है सारा की? कुछ देर पहले चाचू से बात की थी, वो बता रहे थे कि डॉक्टर सारा के स्टमक वॉश करते हैं, और अभी तक उसको होश नहीं आया। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे अंदाजा ही नहीं था सारा इतनी जज्बाती लड़की है, आपके लिए इस हद तक चली जाएगी। हाँ, अगर हादी आप प्लीज ऐसे मत सोचें कि ये सब आपकी वजह से है, मुझे खुद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा सब क्या हो रहा है। जुहैब, सारा ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शंकर, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, अब सब कुछ नहीं होगा ना, सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हौसला करो समीना,
तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो। नहीं शौकत, मेरा हौसला खत्म हो गया है, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। आपको पता है ना, उसको एक पास में चुपती थी तो मेरी जान निकल जाती, अभी तो वो कितनी तकलीफ हुआ उसको। मुझे लग रहा है मुझे तकलीफ हो रही, मेरी जान निकल रही है। मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरी सारा ठीक हो जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सारा, डॉक्टर सारा कैसी है? सारा का स्टमक तो हमने वॉश कर दिया, फिलहाल हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगले 24 घंटे सारा की जिंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, वो मैं क्या अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? फिलहाल नहीं, पहले हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें। शोका साहब, आप जानते हैं ना ये पुलिस केस? Yeah, I know that. जी जी, आप फिक्र ना करें, मैंने आजी से बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगे। ओके। बैठो। बैठे आप। एहसन, एहसन सारा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा एहसन? वो ठीक तो है ना? मानूर, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन मौत के मुंह में है, दुआ करो उसको जिंदगी मिल जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर सारा ने इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया। ये सवाल जाके तुम अपने भाई जुहेब से पूछो। तुम तो जानती थी मानूर कि सारा जुहेब से कितनी मोहब्बत करती है, और जब वो जुहेब को अपना सब कुछ मान बैठी तो क्या क्या तुम्हारे भाई ने धोखा दे दिया, उसको पीछे हट गया, सारा के बजाय हादिया का हाथ थाम लिया। ऐसी बात नहीं है एहसन, भाई तो हमेशा से सारा को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझते आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन शायद गलती हम सब की है, हम भी सारा की तरह यही समझते रहे जैसे भाई सारा को पसंद करते हैं। मामा मुझे बता रही थी कि तुम लोग जुहेब और हादिया का रिश्ता तय कर रहे थे, मंगनी करना चाहते थे, तो जाओ जाके अपने भाई की मंगनी की तैयारियां करो, खुशियां मनाओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी बहन जिए या फिर मरे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सारा की फिक्र हम सबको भी उतनी है जितनी आपको है। मैं, मामा, भाई, हम सब उसकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। अरे बंद करो ड्रामा अपना ये। ऐसा प्लीज आप समझने की कोशिश तो करें। मामा ठीक कह रही थी कि सारी की सारी ढील मेरी है, जब तक मेरी बहन इस घर में वापस नहीं आ जाती तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहता। मानूर निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? एहसन, दरवाजा खोले एहसन, एहसन प्लीज दरवाजा खोले एहसन, एहसन मैं मर जाऊंगी, दरवाजा खोले एहसन। हादिया बेटा, हादिया बेटा। जी नानू। क्या बात है बेटा, इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूं, तुम चुप क्यों हो? बस ऐसे ही नानू, दिल नहीं कर रहा था। सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ हुआ है क्या? जी सब ठीक है नानू, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। मैं सोच रही थी
कुछ दिन आपके पास आ जाऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम शौकत से कहो, वो तुम्हें भेज दे, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा। क्या बात है हादिया बेटा, तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ नानो, वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। कर दिया, परेशान है मेरी बच्ची।